क्वेश्चन ये करे कि एक डीलर जो है एक आर्टिकल को डिस्काउंट 20% डिस्काउंट के साथ खरीदता है और इसकी जो लिस्ट प्राइस है उस पर क्या करता है 25% अधिक मार्क करता है और फिर क्या करता है 20% डिस्काउंट के साथ उसे बेच देता है। बोला गया कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। यहाँ से ध्यान से समझना कि डीलर जो है खरीद रहा है 20% उसका मार्क प्राइस है 20% के डिस्काउंट पे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि एमपी अगर मैं इसको एसपी बोलूँ क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस पर जो भी डिस्काउंट देंगे उसके बाद वो वस्तु को सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी एसपी हो जाएगा। यानी 20% का मतलब ये हुआ भाई, 20% का मतलब ये हुआ 1/5। यानी 5 रुपये अगर उसका एमपी या मार्क प्राइस है तो उस पर 1 रुपया कम, यानी कि 4 में बेचेगा। जो भी यहाँ पर सप्लायर होगा वो 4 में बेचेगा, किसको, डीलर को बेचेगा, किसको, डीलर को। तो डीलर के लिए जो एसपी है वो क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। डीलर के लिए जो एसपी है वो क्या हो जाएगा सीपी है। मान चलो यहाँ पर सप्लायर है ठीक है, और ये क्या कह रहा है डीलर के बेच रहा है कितना 20% के डिस्काउंट पर, मार्क प्राइस पर 20% के डिस्काउंट पर। जब ये डीलर को बेचेगा तो जो सप्लायर का लिए, जो सप्लायर के लिए एसपी होगा वो डीलर के लिए क्या होगा भाई सीपी के काम करेगा, क्योंकि डीलर क्या रहा है खरीद रहा है। अब डीलर क्या करता है चार्ज में वस्तु को ले आया, लेकिन क्या किया जो एमपी पर वस्तु थी ना जो मार्क प्राइस पे थी उसी पर उसने जो उस समय जो उसका रेट था उस पर 25% अधिक मार्क कर दिया, 25% अधिक मार्क कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 25% क्या किया अधिक मार्क पर। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ इसको एक जीरो बैठा दूँ तो 25% यानी कि एमआरपी का 25% अधिक कितना हो जाएगा भाई 125, और 125 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 625, या फिर एक और जीरो कर लेते हैं ना आसानी रहेगा। यानी कि अब जो एमपी होगा वो कितना होगा 625 हो गया। अब इस 625 पे बोला गया डीलर ने 20% का क्या क्या डिस्काउंट दे दिया। अब इस पर 20% का डिस्काउंट यानी कि 80/100 का मतलब ये हुआ भाई, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 25 से कटेगा 25 बार में 4 कटेगा और 4 से कटेगा कितने बार में 20 बार में, 25 गुना 2 50 यानी कि 500। अब जो फाइनल जो एसपी है, फाइनल जो एसपी है डीलर के लिए वो कितना है 500 रुपये में। यानी कि 400 के सामान को 500 में बेच रहा है, यानी कि 100 का प्रॉफिट हो रहा है अपन में 4, यानी कि 400 × 100 यानी कि 1/4 का मतलब यही होता है 25%। तो जो डीलर है उस पर कितना प्रॉफिट कमाएगा भाई 25% का प्रॉफिट कमाएगा, ऑप्शन नंबर बी।